99% घुटनों का दर्द, ज्वाइंट पेन बिल्कुल ठीक, अर्थराइटिस, नी पेन, वात रोग का इलाज। दोस्तों, आपके शरीर के जोड़, घुटने, कुल्हे, कंधे या फिर पूरे शरीर में बिना किसी खास वजह से दर्द और सूजन से परेशान है तो आप इसे लाइटली मत लीजिए। सबसे पहले जांच करवाइए कि ये दर्द किस वजह से है। कहीं बॉडी में यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया है या फिर किसी न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हो रहा है। दोस्तों, आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। और इसमें वात अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो इस वजह से जोड़ों में, घुटनों में दर्द की समस्या होती है। तो आज का वीडियो इसी बेस पर है। आज हम आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे जिससे आपका बढ़ा हुआ वात कंट्रोल हो जाएगा। जोड़ों में दर्द है, कमर या फिर गर्दन में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सूजन है, तो इससे आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा बॉडी में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जोड़ों में अगर लिब्रिकेंट की कमी हो गई है, जोड़ आपस में घिस रहे हैं, चलते वक्त या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बहुत तेज दर्द होता है, कटकट की आवाज़ आ रही है जोड़ों से, साथ ही पेन भी हो रहा है, तो इसके लिए भी मैं आपको रामबाण उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको रेमेडी बताता हूँ जिसे आपको इसे पूरी ठंड के मौसम में फॉलो करना है। दोस्तों, ये जो घरेलू नुस्खा आपको मैं बताने वाला हूँ, ये कोई नया घरेलू नुस्खा नहीं है, ये हमारे दादी नानियों द्वारा आजमाए हुए घरेलू नुस्खे हैं और इसके बहुत अच्छे फायदे भी मिलेंगे आपको। तो इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी 100 ग्राम खड़ी हल्दी, यहाँ पर आप सूखी वाली हल्दी का इस्तेमाल कीजिए, आप चाहें तो कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ग्राम गुड़ चाहिए, गुड़ की क्वांटिटी आप इससे कम भी रख सकते हैं। इसके अलावा 100 ग्राम घी, 15 ग्राम सौंठ और 150 ml दूध, जीरा चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। इन सभी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लीजिए। आपको 100 ग्राम खड़ी हल्दी को 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देना है। अगर आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर भिगोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने जो 10 से 12 घंटे के लिए हल्दी भिगोया था, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए और या तो इसे किसी चीज़ से कूट लीजिए और दूध में डालकर 2 घंटे के लिए फिर से रख दीजिए। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये हल्दी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे मिक्सी में दूध से ही डाल देंगे और साथ में सौंठ पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। दोस्तों, एक तरफ आप गुड़ को पैन में 1 गिलास पानी डालकर उबाल लीजिए ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए और फिर इस पानी को छान लें ताकि गुड़ में जो भी कचरा हो वो निकल जाए। अब लोहे की कढ़ाई को हम गर्म करेंगे और उसमें घी डालेंगे, फिर उसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। जीरा जब ब्राउन हो जाए तो फिर पिसा हुआ हल्दी इसमें ऐड कर देंगे और इसे धीमी आंच में चलाते हुए पकाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको आंच धीमी रखनी है, नहीं तो फिर ये जल भी सकता है, और आराम से आपको चलाते हुए इसे पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक हल्दी घी ना छोड़ दे, है ना। आपको इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको आराम से धीमी आंच में ही करना है। देखिए, हल्दी घी छोड़ रही है, इससे सौंधी सौंधी आपको खुशबू भी आएगी। अब इसमें गुड़ का पानी ऐड कर दीजिए और ऊपर से 1 गिलास पानी और डाल दीजिए और इन्हें धीमी आंच में पकने दीजिए। जब ये गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दीजिएगा और ठंडा होने के बाद आप अलग बर्तन में स्टोर कर लीजिए। दोस्तों, इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर स्टोर किया जा सकता है। आप इसे फ्रिज में रखिएगा और लगभग 15 से 20 दिनों तक इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन इस हल्दी वाले हलवे को कच्चे हल्दी में अगर आप बनाना चाहते हैं, कच्ची हल्दी में बनाएंगे तो उतना ही बनाइएगा जितना आप 6 से 7 दिनों में कंज्यूम कर लें, क्योंकि कच्ची हल्दी में अगर आप इस हलवे को बनाएंगे तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, सिर्फ 6 से 7 दिन तक चलने वाला है। और अगर गांठ वाली सूखी हल्दी में बनाएंगे तो आप इसे 15 से 20 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए, इसका इस्तेमाल कैसे करना हो देख लेते हैं।
दोस्तों इस हल्दी वाले हलवे को आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, लड़के लड़कियां सभी लोग इसे खा सकते हैं। यह आयुर्वेदिक चीज़ है, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन क्वांटिटी का यानी मात्रा का आपको ध्यान रखना होगा। रोजाना 2 से 3 चम्मच बड़े लोग खा सकते हैं, यानी 25 साल से ऊपर के लोग 2 से 3 चम्मच रोजाना इस हलवे को खा सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो यहाँ पर 1 चम्मच की मात्रा में दीजिएगा और इसे खाने के बाद ऊपर से 1 गिलास दूध पी लेना है। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, 1 कप गुनगुना पानी पी लीजिएगा, काफ़ी हो जाता है। इसका सेवन दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह 2 चम्मच खा लिया और रात को 2 चम्मच खा लिया। इस तरह से आप दिन में 2 बार ठंड के मौसम में सिर्फ ले सकते हैं। अभी ठंड का मौसम आने वाला है तो घर पर इसे बना लीजिएगा और पूरे ठंड के मौसम में इसका सेवन कीजिए। दोस्तों 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपको इसका असर महसूस होने लगेगा। जिन भी लेडी या फिर जेंट्स को गठिया है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि ज्वाइंट पेन रहता है, उनके लिए उपाय बहुत फायदा करेगा। जोड़ों में दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा, शरीर के अंदर वात रोग की समस्या नहीं होगी, हड्डियां मजबूत होती है इसे खाने से। हल्दी के अंदर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो ज्वाइंट पेन की सूजन और उसके दर्द को दूर करते हैं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, छोटी मोटी बीमारियां आपके शरीर में नहीं आएंगी। इसमें दोस्तों कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को जरूरी पोषण देते हैं, शारीरिक कमजोरी इससे दूर होती है। इस हल्दी के हलवे को अगर आप खाएंगे तो शरीर से टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थों को ये बाहर करता है, शरीर इसे खाने से शुद्ध हो जाएगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, पेट की बीमारी जैसे कि कब्ज, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी पेट से जुड़ी समस्या ना हो तो आप इस घरेलू उपाय का इस्तेमाल रेगुलर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हेल्थ के साथ साथ इसका ब्यूटी के लिए भी फायदे मिलते हैं। जी हाँ, इसके इस्तेमाल से त्वचा में निखार आएगा, क्योंकि दोस्तों इस हल्दी वाले हलवे को खाने से आपका खून शुद्ध होगा, खून साफ होता है, आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, इस वजह से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आती है। इस हलवे को रात को खाकर ऊपर से 1 गिलास दूध पी लेंगे तो आपको नींद भी बहुत गजब की आएगी, बहुत ही सुकून भरी अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा जिनको भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, जिनका बीपी हमेशा लो या फिर हाई होता रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर जिन्हें थायराइड की समस्या है, या फिर जिनके शरीर में खून की कमी है, खून गाढ़ा हो चुका है ना, तो वे लोग भी इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके शरीर में ब्लॉकेज हो गई है वे लोग भी इसे ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होने वाला, बेफिक्र होकर लीजिएगा। चलिए, ये तो आपको हल्दी वाले हलवे का इस्तेमाल करना ही है, इसे खाने से आपका शरीर गर्म भी रहेगा और आप बाकी बीमारियों से भी बचे रहोगे। इसके अलावा आपको तिल और अलसी के बीज खाना शुरू कर देना चाहिए। तिल और अलसी के बीज दोनों ही न्यूट्रिशन का खजाना होते हैं दोस्तों, जो आपकी हड्डियों को मजबूती देने का काम करते हैं। अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में दर्द काफ़ी समय से है, इसके अलावा दिल से संबंधित कोई रोग है, हाई बीपी की समस्या है, शरीर में शुगर लेवल बढ़ गया है, तो आपको तिल और अलसी के बीज को इस पूरे ठंड के मौसम में खाना है। इसे लेने का तरीका बहुत ही आसान है, इन दोनों बीजों को भूनकर किसी डब्बे में भरकर रख लीजिएगा और दिन के समय में जब भी मन करे 1 चम्मच 2 चम्मच फांकी ले लीजिएगा। इस तरह ठंड के मौसम में लीजिएगा, क्योंकि दोनों की ही तासीर काफ़ी गर्म होती है, तो गर्मी के मौसम में आपको इस तरह से नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में दर्द काफ़ी सालों से है, 4-5 साल से या फिर उससे ज़्यादा समय से परेशान है, गठिया हो गया है, अर्थराइटिस की समस्या हो गई है, अगर आप वात प्रकृति के हैं तो वात से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि जिंदगी भर आप वात की परेशानी से दूर रहें, तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कैस्टर ऑयल, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ये बहुत ही फायदा करेगा। सबसे पहले आप इस तेल से मालिश करना शुरू कीजिए, जहाँ भी दर्द हो, घुटनों में, कमर में, आपके तलवों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, इस तेल को हल्का गर्म करके मालिश करना शुरू कर दीजिए, इससे वात संतुलित होता है। इसके अलावा अगर जोड़ों में से कटकट की आवाज़ आती है, जोड़ों में से ल्यूब्रिकेंट की कमी हो गई है, जोड़ों में लचक पड़ता है ना, चलते वक्त कई बार लचक पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या फिर उतरते वक्त, चलते वक्त घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है, तो आप इस कैस्टर ऑयल को पीना भी शुरू कीजिए और सिर्फ आपको 10 दिनों तक ही लेने हैं। अब कितना लेना है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, अगर ज़्यादा मात्रा में कैस्टर ऑयल ले लेते हैं तो नुकसान भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको लगभग 4 से 5 ml के बराबर सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है। 1 कप गुनगुना पानी ले लीजिए,
उसमें एक चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड कीजिए और सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये करेगा कि वात को संतुलित करेगा, शरीर में जो वायु बढ़ी हुई है उसे कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जोड़ों में घुटनों में लीवर किडनी की कमी हो गई है, ग्रेस की कमी हो गई है, उसे पूरा करने का काम करेगा। जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सूजन की समस्या है, उसे खत्म करने का ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको लगातार 10 दिनों तक ही लेना है, आगे लेना चाहें तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप 99% तक घुटनों का दर्द, ज्वाइंट पेन, कमर दर्द, कंधों में दर्द, सर्वाइकल पेन की समस्या को ठीक कर सकते हो, वात से संबंधित जितने भी रोग हैं कंट्रोल कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।